एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर दैनिक राशिफल। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, क्या कुछ होगा आपके साथ खास। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार का। आपके कमेंट्स लाइक्स हमेशा मिलते रहते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा ही प्यार आप हमेशा हमारे साथ बनाए रहेंगे। चलिए पंचांग की बात कर लेते हैं। 5 फरवरी 2020 दिन बुधवार का राशिफल है। माघ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो रात को 9:32 तक रहेगा। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो हर बार की तरह बुधवार को कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, इसलिए आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। राहु काल यानी अशुभ समय की बात की जाए तो आज शाम को दोपहर को 12:35 से 1:57 तक अशुभ समय चलेगा। वहीं दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं तो इससे बचना है और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ मुख रखकर आपको नहीं करना है। तीज त्योहारों की भी बात करते हैं हम, तो अगर वो करें तो आज जया एकादशी व्रत है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली और विशिष्ट सुगंधित पदार्थ जो है अर्पित करना चाहिए। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता। आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि आज के दिन किस प्रकार आप जो है पूजा कर सकते हैं और पा सकते हैं अपने मन चाही चीज को भगवान से। लेकिन चलिए शुरुआत कर देते हैं राशिफल की। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगी। और आपको एक और बात बता दें कि जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता, मून साइन, वो हमारे वेबसाइट पर जाकर या हमारे ऐप, हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.astrosage.com और हमारे ऐप का नाम है एस्ट्रोसेज कुंडली। दोनों ही जगहों पर जाकर आप जो है अपनी चंद्र राशि पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे पहली राशि यानी मेष राशि की। एरीज वाले ध्यान से सुने, बताने जा रहे हैं कैसा बीतने वाला है आपका दिन। सबसे पहले दिन आपका बहुत अच्छा है आज। उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी, यानी किसी भी चीज में अगर आज उम्मीद आपकी लगी हुई है वो चीज आज अच्छी रहेगी। व्यापार में जो लोग बिजनेस करते हैं आज अच्छा खासा मुनाफा होने की भी संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। जिन लोगों की से आपकी मुलाकात कभी कभी नहीं होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के आज बहुत अच्छा दिन है। हो सकता है कि उनसे बातचीत करके आपको कोई नई जानकारी मिले। उदास ना हो, कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं होता। अगर ऑफिस में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इतनी मेहनत है उससे आपको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप मेहनत को ना रोके, अपने आप को डबल मोटिवेट करें और काम में आगे बढ़ें। अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपके सहकर्मी आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे। टीवी मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक इनका उपयोग आपके जरूरी समय को खराब कर सकता है, इसीलिए इस चीज पर आज थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। छात्र अपने जो आपके पास टाइम है, आपकी जो एनर्जी है उसको पढ़ाई में लगाएं, ना कि इन सब चीजों में। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आज उनका थोड़ा खास ध्यान रखें। वहीं जो प्रेमी जातक हैं आज आप दोनों जो है बहुत अच्छा समय बिताएंगे एक दूसरे के साथ। गृहिणियों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा आज। उपाय जान लेते हैं। आज का दिन नीली चीजों का ज्यादा प्रयोग करें, नीले रंग के चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना है। शुभ अंक है आपके लिए 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्यस्थार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार, क्योंकि आज सभी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अब बारी है वृषभ राशि की। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। सेहत के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है आपका। आपकी गैर यथार्थवादी योजनाएं आपके धन को आज कम कर सकती है, इसीलिए कोई भी योजना बना रहे पैसों से रिलेटेड तो जरा सोच समझ कर बनाएं। कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। आपकी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। जिसे आप चाहते हैं उसके साथ आज आपका तल्ख रवैया आपके रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है। तो प्रेमी जो भी जातक है आज थोड़ा अपनी तल्खी को कम करें, प्यार मोहब्बत से बातें करें ताकि रिश्ते में और भी प्रगाढ़ता आए और भी मजबूती आए। और गुस्से से कुछ नहीं होता, रिश्ता कमजोर होता है, तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर आज चले। ऑफिस की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, तो आप अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर जो है आप करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। उसके लिए दिन आज बहुत अच्छा है। अपने क्षेत्रों में आपको अपार सफलता मिलने की भी संभावना है, लेकिन अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर आप औरों से
बेहतर बनने की कोशिश करें। आज जरूरी कामों को समय ना देना और फिजूल के कामों पर वक्त जाया करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो जो भी छात्र हैं, थोड़ा ध्यान से चले, पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दें, ना कि बाकी चीजों को। एक बार अगर आप पढ़ लिखकर कुछ अच्छे बन जाते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत सारा समय होगा बाकी चीजों को देने के लिए। बात करें मैरिड लोगों की, तो आपका जीवन साथी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खींच सकता है, जिसके चलते आपका मन उदास होने की संभावना है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत ही बेहतरीन है। आज प्रेमी आपको बहुत ही सम्मान देंगे और साथ ही आज आपको अपनी कुछ जो है पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं। कोशिश करें उनकी जो है उनका जो विश्वास है आप पे कि आप उनकी जो पर्सनल बातें हैं उसको कहीं और नहीं बताएंगे, तो उस विश्वास को कायम रखें। उन्हें अगर आपकी बातों के या आपके अगर किसी सलाह की जरूरत है तो दिल खोल कर सलाह दें, क्योंकि वो आपके अपने हैं और शायद आपकी सलाह से वो जो किसी परेशानी में है उससे बाहर निकल सकते हैं। गृहिणियां जो हैं, आज अपनी कमर का ज़्यादा ध्यान रखें, कोई भी भारी चीज़ झटके में ना उठाएं, क्योंकि आपको आज बैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब बारी उपाय की, तो उपाय के तौर पर इत्र, खुशबू, अगरबत्ती, कपूर आदि का दान करें, यानी खुशबू वाली चीज़ों का आज दान करें। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसर और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि की, यानी जेमिनी वालों की। तो जेमिनी वाले ध्यान से सुने, घर पर आज तनाव का माहौल रहेगा, आपको ये चीज जो है नाराज करेगी, उदास बना देगी। इसे दबाना आपकी शारीरिक समस्याओं में इजाफा कर सकता है। अपने तनाव को जो है, अपनी बातों को जो है किसी के साथ शेयर कर ले। मन की चीजों को आज मन में नहीं रखना है, नहीं तो इससे टेंशन बढ़ेगी और टेंशन बढ़ी तो तबीयत तुरंत खराब हो सकती है। तो इसीलिए आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ा के भी आप इन चीजों से निजात पा सकते हैं। जितना ज्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आप टेंशन से दूर हो सकते हैं। आज के दिन खराब हालत से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है। कार्य क्षेत्र में या कारोबार में आपकी कोई लापरवाही आज आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है, तो जरा ध्यान से चले। यानी कि कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो उसमें लापरवाही ना बरतें, नहीं तो आपको नुकसान तकरीबन पक्का है। और वैसे भी किसी भी चीज में इंसान को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम लें हाथ में तो उसको पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट करें, ना कि टाल मटोल करके। ये आपके व्यक्तित्व को भी दिखाता है कि आप किस तरीके इंसान हैं। आप किसी भी चीज को अगर हाथ में लेते हैं तो किस तरीके से उसके साथ उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जरूर आज आपको समझना है कि लापरवाही ना बरतें, खास तौर पर कार्य क्षेत्र में, व्यापार में। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आज आपको कुछ नए दोस्त भी मिलेंगे। आज अपने प्रेमी को कोशिश करें फूल देकर अपने प्यार का इजहार करने की। ये दिन आपका जो है प्रेमी जातकों के लिए अच्छा है, तो इसलिए गिफ्ट वगैरह, फूल वगैरह आप आदान प्रदान कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है और तरक्की साफ नजर आ रही है, इसीलिए इसको कोशिश करें और भी अपनी जो है तरक्की की राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं अपनी मेहनत के द्वारा उसको दूर करें। घर में पड़ी कोई पुरानी वस्तु आज आपको मिल सकती है, जिससे आपको अपने बचपन के दिनों की याद सता सकती है और आप उदासी के साथ अपने दिन का जो है काफी समय अकेले बिता सकते हैं। लेकिन एक बात आपसे ये कहना चाहूंगी, जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और जो है वो भी वापस नहीं आएगा। आज चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, तो क्यों उन चीजों को याद करके दुख मनाना जो चीजें बीत चुकी हैं। उन चीजों में जो अच्छाई है उसको याद कीजिए और खुश होइए। देखिए, जो आज है आपका उसका मजा ही अलग हो जाएगा, उसका जो है आनंद ही हो जाएगा। आपने कुछ गलतियां की हैं पास्ट में, उसको याद कीजिए, उसमें क्या सुधार करना है, वो चीजें रिपीट नहीं करनी है। ये सब चीजों की का जो है आकलन कीजिए, ना कि आप ये सोचें बचपन में तो हमें स्कूल जाने का नहीं होता था, हमें जॉब पे नहीं जाना होता था और हम कितने अच्छे से टाइम आराम से बिताते थे, लेकिन अब हमें स्कूल जाना होता है, जो भी हमें जॉब पे जाना होता है, कारोबार संभालना होता है। तो ये सब चीजें सोचकर अपने आप को उदास ना करें। हर फेज का लाइफ में अपना एक अलग मजा है, इसका जो है आनंद उठाएं, ना कि आज के दिन को खराब करें उदासी में। तो ये आपके लिए एक सलाह थी। आज के दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहने वाला है, तो मैरिड लोग इस दिन को काफी अच्छा बनाएंगे। वहीं जो इस राशि की गृहिणियां हैं, आज पति से थोड़ा सोच समझकर बात करें। हो सकता है पति आपको आपकी जो है कोई बात चुभ जाए और वो आपको ये बात शेयर नहीं करेगा, तो इसीलिए जरा सोच समझ कर बात करें। उपाय के तौर पर आज के दिन तांबे के चम्मच का प्रयोग करें, या तांबे की थाली का प्रयोग करें, ग्लास का प्रयोग करें। खाने पीने की चीजों में तांबे की कोई चीज जरूर होनी चाहिए। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कर्क राशि की, तो कैंसर वाले ध्यान से सुने। अब जो शारीरिक बदलाव आज करेंगे वह निश्चित तौर पर आपके रंग रूप को आकर्षक बनाएगा।
कहते हैं अगर हेल्थ अगर अंदर से अच्छी होती है तो चेहरे पर एक ग्लो सा रहता है, तो वही हर इंसान के साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है। अगर हम अंदर से फिट रहते हैं तो हमारा जो आकर्षण है वो अलग होता है, लेकिन अगर हम अंदर से कमजोर होते हैं तो चेहरे से ही दिख जाता है, मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, बुझा बुझा सा रहता है। आज जो है जो भी बदलाव आप करेंगे वो आपके रंग रूप को निखारेगा, तो कोशिश करें थोड़ी देर योग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तयशुदा बजट से दूर ना जाएं, नहीं तो पैसों का जो है कि तंगी का शिकार हो सकते हैं। अपने दोस्तों को अपने उदार स्वभाव का गलत फायदा ना उठाने दें। दोस्तों प्यार की मोहब्बत की बात करें तो प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसे न सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बल्कि अपने प्रिय के साथ बांटना भी चाहिए। आज आप कोशिश करें कि अपने प्यार का इजहार अपने पार्टनर के साथ करें, जो मन में बातें हैं वो भी अपने पार्टनर के साथ करें। अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करें आज, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि आप धीरे धीरे अपने काम से भटक रहे हैं, अपने जो आपका एम है उससे भटक रहे हैं, तो काम और प्राथमिकताओं पर जरा ध्यान आज एकत्रित करने की जरूरत है। अगर आज आप ट्रेवल कर रहे हैं तो सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है अपने साथ जरूर रखें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले आज आप पढ़ सकते हैं, कहीं या हो सकता है शादीशुदा जिंदगी के मजे कोई ले, यानी आप तो मैरिड हैं, ऐसे हम भी किसी को कहते हैं कि आप तो शादीशुदा हैं, आपके साथ ऐसे लाइफ में हो रहा है, तो आज यही चीजें आपके साथ भी होंगी और आप जो है खिलखिलाएंगे, हंसेंगे। आपके जीवन से वैवाहिक जीवन में कुछ प्यारी सी चीज भी आपके आज सामने आएगी और इस समय आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। ओवरऑल आपका मैरिड लाइफ आज बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं गृहिणियां जो हैं आज बहुत तारीफ मिलेगी, हो सकता है अपने दोस्त से, पति से, अपने ससुराल वालों से, मायके वालों से, किसी से आज बहुत सारी तारीफ आपको मिलने वाली है। उपाय के तौर पर किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन करा दें आज। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि की। आपका स्पष्ट और निडर नजरिया आपके दोस्त के अहम को आज ठेस पहुंचा सकता है या आपके किसी करीबी को ठेस पहुंचा सकता है। दूसरों की परवाह ना करें, अगर आपकी सोच सही है, अगर आपका तरीका सही है तो किसी और से डरने की या किसी और की भावनाओं का उस टाइम के ख्याल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सही कर रहे हैं। हमें तब दूसरों का की परवाह हो जाती है, दूसरों का ख्याल होता है कि लोग क्या कहेंगे जब हम गलत होते हैं। अगर आप आज सही हैं तो आपको किसी के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैरिड लोग जो है इस राशि के आज ससुराल पक्ष से आज धन लाभ हो सकता है, या हो सकता है कि ससुराल की तरफ से कोई ऐसा इंसान आपको आय के लिए या पैसों के रिलेटेड कुछ आपको सुझाव दे। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शाम के आयोजन में शिरकत करें, अच्छा टाइम बिताएंगे परिवार वालों के साथ आज आप। कुछ लोग इस राशि के जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जल्द ही शादी की शहनाई बज सकती है, जबकि दूसरे जो है जिंदगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे, यानी जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है। अपने उद्देश्यों की ओर शांति से बढ़ते रहें और सफलता मिलने से पहले अपने पत्ते ना खोलें, ये सलाह इस राशि के कारोबारी और जो जॉब करते हैं उनके लिए। अपने घर का कोई करीबी, आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने को कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत ही खास करने वाला है, तो तैयार हो जाइए। वहीं अगर बात करें प्रेमियों की तो आज दोनों आप साथ में समय गुजार सकते हैं। गृहिणियां आज अपने बच्चों पर डांट सकती हैं, उन पर खिज दिखा सकती हैं, हो सकता है आपका किसी वजह से आपका मन जो है हर चीज से उखड़ा उखड़ा रहे। उपाय की बात करें तो घर में सफेद सुगंधित पुष्प रखें। शुभ अंक है आपके लिए 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि की। थोड़ा विश्राम करें और काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहें। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेल जोल की जगहों पर आज आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। वहीं दूसरों की दखल अंदाजी गतिरोध पैदा कर सकती है, खिज पैदा कर सकती है। काम में पेशेवर रवैया को सराहा जाएगा और इसको सराहना मिलेगी, आपका जो पेशेवर तरीका है ऑफिस में आपको तारीफ का हकदार बनाएगी। यात्रा और भ्रमण वगैरह आज न सिर्फ आनंददायक रहेंगे बल्कि शिक्षाप्रद भी रहेंगे, आपको कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। संभव है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंचे, इस चीज को आप उन्हें प्यार से समझाएं। अगर आप झगड़ा करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, तो आज कोई भी चीज होती है ऊपर नीचे तो थोड़ा प्यार से उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें। उपाय जान लेते हैं। खाने में शहद का प्रयोग करें। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार।
अब बारी है तुला राशि की। आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। सेहत पूरी तरीके से आज आपका साथ देने वाली है। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का भी सही समय है। आज आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले दो बार सोचें जो आज आपके सामने आई है, यानी पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज जो है सोच समझ कर आपको करनी है। जरूरत के वक्त आपको दोस्त जो है सहयोग देंगे। वहीं प्यार की बात कर लें तो प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए यह दिन जो है विशेष रहने वाला है। रचनात्मक काम में जो लोग लगे हुए हैं आज सफलता भरा दिन है आपके लिए। वह शौहरत और पहचान मिलेगी जिसकी एक लंबे समय से आपको तलाश थी। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ के आज के दिन आप अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए उतना कुछ खास नहीं रहेगा। जीवन साथी और शादीशुदा जीवन के लिहाज से कई मामलों में आपसी असहमति दिखेगी जो है, इस वजह से आपका रिश्ता कमजोर होगा। उपाय जान लेते हैं। भैरव जी पर मदरा चढ़ाएं। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि की। आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखिए क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन जाती है। और कहते हैं खुशी को नजर लगते देर नहीं लगती, तो इसीलिए थोड़ा आप कंट्रोल करें अपनी भावनाओं को। आज घर के बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। सामाजिक गतिविधियां मजेदार रहेंगी, लेकिन अपने रहस्य किसी के सामने उजागर ना करें। रोमांस के नजरिए से आज जिंदगी बहुत जटिल रहेगी। वहीं योग कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा काम करेंगे या फिर व्यापार में पैसे के रिलेटेड कोई फायदा हो सकता है। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आज आपको खास पहचान दिलाएगी। वहीं चीजें आपके इच्छाओं के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन आपके हमदम के साथ आपका समय आज अच्छा गुजरेगा। उपाय के तौर पर गणेश जी के मंदिर में मूंग के लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि की। जल्दी ही बीमारी से उबरने की संभावना है, यानी आज अगर हेल्थ खराब है तो टेंशन ना ले, धीरे धीरे उसमें बेहतरी की तरफ आप बढ़ेंगे। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। दिन का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। आज उस रिलेटिव को देखने जाए, उस रिश्तेदार को देखने जाए, दोस्त को देखने जाए जिसकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही है। अपने प्रिय या जीवन साथी का फोन आज आपका दिन बना देगा। वहीं आज आप जो भी करेंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से करेंगे। आपका लाजवाब काम खुद ही आपकी असली कीमत लोगों को बताएगा। खाली वक्त में आज आप कोई फिल्म देख सकते हैं। यह फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी और आपको लगेगा कि आपने अपना कीमती वक्त जाया कर दिया है। जरूरी कि वो फिल्म ही हो, कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है आप वो करेंगे और उसकी वजह से आपको टाइम का जो है वो उसको लेकर थोड़ी इरिटेशन हो सकती है। मुमकिन है कि आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में आपको यह बताए कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। उपाय जान लेते हैं। आज एक हरा नारियल लेकर किसी धर्म स्थान में दान कर दें। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि की। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे ताकि मेंटली आपको पीस मिल सके। घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, धन लाभ हो सकता है इसकी से। घर वालों के साथ मिलकर कुछ अलग और रोमांचक आज आप कर सकते हैं। इससे आज आपका दिन अच्छा बीतेगा, फैमिली लाइफ अच्छी बीतेगी। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा, यानी कि आज आपकी जो लव लाइफ है आपकी हरकतों पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए वो चीजें करें जो आपके प्रेमी को पसंद हो। कार्य क्षेत्र में दिल लगाने से आज बचना है। किसी को पसंद करते भी हैं तो वो बात अपने मन में ही रखें, नहीं तो बदनामी हो सकती है। यदि आप किसी से जुड़ना भी चाहते हैं तो ऑफिस से दूरी बनाकर ही उनसे बात करें। जब आपसे राय पूछी जाए तो आज बिल्कुल भी संकोच ना करें क्योंकि इसके लिए आपकी काफी तारीफ होगी। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपको और आपके जीवन साथी कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। उपाय के तौर पर भीगे बादामों का सेवन करें और उसे बांटे भी। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि की। मुमकिन है कि आपको किसी अंग में दर्द या तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जीवन साथी से झगड़ा मानसिक तनाव की ओर ले जा सकता है, बेकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का एक बड़ा सबक इस बात को मान लेना है कि बहुत सी चीजों को बदलना नामुमकिन है। रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा क्योंकि आज आपकी मुलाकात अपनी लव पार्टनर से होगी। निर्णय लेते समय अपने अहम को बीच में आज बिल्कुल भी ना आने दें। अपने कनिष्ठ कर्मियों की बात पर गौर फरमाएं। आज कोई रोमांचक रोचक मैगजीन या उपन्यास
पढ़ के आप अपने दिन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। उपाय के तौर पर आज के दिन सफेद कपड़े जरूर पहने। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और अब बारी है मीन राशि की। आपके पास अपनी सेहत और रंग रूप को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आज आप घर से बाहर तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। दिन वैसे बढ़िया है, आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके सामने चुनने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी और आपके सामने समस्या यह होगी कि किसे पहले चुना जाए। संभव है कि आज आपसे कोई अपने प्यार का इजहार भी करे। आपको अपने भागीदार को अपनी योजना से जुड़े रहने के लिए मनाने में दिक्कत होगी। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपको कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय उनकी खातिरदारी में जाया हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शादी महज एक समझौते का नाम है? अगर हाँ, तो आज आप हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। उपाय जान लेते हैं। आज बिना धुला हुआ कपड़ा ना पहने, यानी हर कपड़ा जो है आपका, हर एक चीज धुली हुई होनी चाहिए। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज है जया एकादशी व्रत। जल्दी से जान लेते हैं किस तरीके से जया एकादशी पर पूजा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और वंदना की जाती है, तो पूजा विधि बता देते हैं आपको। जया एकादशी व्रत के लिए उपासक को व्रत से पहले, यानी दशमी के दिन, आज एकादशी है तो आपको कल बीते हुए दिन दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, एक ही समय। व्रती को संयमित और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप दीप फल और पंचामृत आदि आप अर्पित करके भगवान विष्णु और के श्री कृष्ण अवतार की पूजा कर लें। रात के समय जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करें। द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन कर लें। ये जल्दी से हमने आपको बता दिया कि जय एकादशी व्रत का की विधि क्या होती है। तो इस वीडियो में जाना कैसा बीतने वाला है आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए। वीडियो में आपको बताया, जो आपको जो ये राशिफल बताई आपकी चंद्र राशि पर आधारित थी। इसके अलावा जय एकादशी व्रत भी है, तो हमने आपको पूजा विधि बता दी, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और उससे क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। और इससे डिटेल जानकारी आपको मिलेगी हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर। वहां आपको इस व्रत की कथा भी मिल जाएगी, साथ ही इस दिन से जुड़ी हुई और भी जानकारियां आपको मिलेंगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।